हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पिछली क्लासेस में हम लोग कवर कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। अगर आप लोगों ने बेसिक्स कंप्लीट नहीं किया है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ओके, इसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखेंगे क्या गिवन है। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट। मतलब ये वाला पार्ट है इसके इक्वल है या नहीं है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखेंगे यहाँ पे हमें 3 cot a गिवन क्या है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, ये डेटा गिवन है। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो cot a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है अपोजिट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे cot a जो है तो कितना है, 4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे हमने, मैंने आपको बताया हुआ था कि साइन cos tan cos x sec cot, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना है, cot फाइंड करना है। तो cot के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अब क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं 90 एंगल पे। ये बी हो गया, ए हो गया, एक सी हो गया। अभी एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या है, ये बी है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या होगा, हाइपो होगा। तो हम देख रहे हैं हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो बेस कितना हो गया, 4 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना गिवन हो गया, कितना गिवन है, 3 गिवन है। इस बेसिस पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसका हाइपो, और हाइपो कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया गया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपो इक्वल टू अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या देखेंगे, हाइपो स्क्वायर, हाइपो कितना हो जाएगा, एसी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर। तो एसी, एसी वैल्यू हमें फाइंड ही करना है, ए बी कितना गिवन है, 4। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी 4 स्क्वायर प्लस बी सी 3 स्क्वायर। 4 4 जा 16 हो जाना है और 3 3 जा 9 हो जाना है। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। एसी इज इक्वल टू लिखेंगे हम, एसी इज इक्वल टू लिखेंगे रूट 25। यहाँ का स्क्वायर जब अपोजिट साइड ट्रांसफर हो गया तो किसमें, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट 25 का वैल्यू कितना निकलेगा बाहर, 5। तो एसी वैल्यू अभी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, कितना कैलकुलेट कर लिया है, 5 कैलकुलेट कर लिया है। अब बेसिस बेसिस पे हमें क्या प्रूविंग क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो इसके लिए साइन कॉस टेन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे साइन ए कॉस ए एंड टेन ए, ये वैल्यू लिख लेते हैं पहले हम। तो साइन ए का वैल्यू, तो साइन मैंने क्या बताया हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं कितना है, एसी है, वो सॉरी परपेंडिकुलर कितना है, बीसी है, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी, और हाइपो क्या हो जाएगा, एसी। तो बीसी डिवाइड बाय एसी, बीसी कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो बीसी हो गया 3 और डिवाइड बाय ये हो जाएगा साइन ए, और 3 डिवाइड बाय 5। अब करते हैं कॉस ए की बात। तो कॉस में देखेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपो। तो हम देख रहे हैं बेस हमारा कितना है, ए बी है, तो ए बी डिवाइड बाय हाइपो, हाइपो एसी सेम, ए वी वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे ए वी की जगह रख देंगे 4, और ए सी की वैल्यू कितनी रख देंगे, 5। ये कॉस ए का वैल्यू कितना कैलकुलेट कर लिया, 4 डिवाइड बाई 5, साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 डिवाइड बाई 5। अब टेन ए कैलकुलेट करेंगे, तो टेन ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, कॉट का जस्ट अपोजिट होता है। तो परपेंडिकुलर देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, वी सी, लिखा बी सी डिवाइड बाई बेस, बेस क्या है, ए वी, तो ए बी ये हो गया है बेस। परपेंडिकुलर बेस कितना गिवन है, 3 गिवन है, ये बेस कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो इसे क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड बाई 4। तो ये साइन कॉस, साइन ए कॉस ए टेन ए, इसकी वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब मेन जो हमें प्रूव करना है उसको देखेंगे, चलो इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखें सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ये लेते हैं, एल एच एस ले लिया है, एल एच एस कितना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें क्या करेंगे हम, टेन ए का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो टेन ए हमने कितना फाइंड किया है, 3 डिवाइड बाई 4, तो लिखेंगे 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, इसका स्क्वायर टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए, तो स्क्वायर कर दिया है, अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, तो 3 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 1 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 4 जा 16 हो जाएगा, और डिवाइड में 1 प्लस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई कितना हो जाना है, 16 हो जाना है। अभी ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16, और इसकी होल डिवाइड में कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, डिवाइड बाई 16,
और 16 में जब 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाना है, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड में लिख देंगे हम 25 डिवाइड बाय 16। यही जो डिवाइड था हमने यहाँ पे क्या डिवाइड में ले लिया है। अभी डिवाइड का जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। तो 7 डिवाइड बाय 16 और यहाँ पे डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई सिंबल आएगा तो ये अपोजिट हो जाएंगे, 16 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 25। अब 16 से 16 क्रॉस हो गया है, कितना आ गया 7 डिवाइड बाय 25। अभी ये हमने सिर्फ ओनली LHS का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है जो था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इसका वैल्यू कितना निकाला, 7 डिवाइड बाय 25। अब लेंगे क्या राइट हैंड साइड, ये था साइन a, ये cos a, ये अभी जरूरत पड़ेगी हमें इस वैल्यूज की। चलो इसी को रेज कर लेते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। ये LHS का वैल्यू है 7 डिवाइड बाय 25, यहाँ पे हम सेपरेटली अलग से लिख देते हैं ये LHS वैल्यू। अब कैलकुलेट करेंगे हम RHS, RHS कितना किपन है, RHS है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे cos a और sin a का, तो cos a का वैल्यू कितना है 4 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर a, sin a का वैल्यू कितना है 3 डिवाइड बाय 5, सो 3 डिवाइड बाय 5 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ऊपर का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का भी स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो जाएगा और 5 जो 25 हो जाएगा। ओके माइनस सिंबल रखेंगे यहाँ पे, 3 जो 9 डिवाइड बाय 5 जो कितना 25 हो जाएगा। अब बेस दोनों के सेम है, LCM लेंगे तो भी 25 ही आएगा, तो 25 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 16 माइनस 9 हो जाएगा और 16 से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाना है हमारा 7 आ जाना है, 7 और डिनोमिनेटर कितना है 25। तो जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है वो कितना आ गया है 7 डिवाइड बाई 25, किसका RHS का, और जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका भी वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ था वो कितना आ गया था 7 डिवाइड बाई 5। अब हम देख रहे हैं कि क्या LHS का जो वैल्यू था और RHS का जो वैल्यू है वो दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो इक्वल है तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि इक्वल है या नहीं है यही हमें प्रूव करना था, तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों कैसे हैं इक्वल है। तो हम यहाँ पे कंडीशंस में लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, इक्वल होंगे। ओके तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे किस तरह से हमने सॉल्व किया। गिवन था डेटा 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो इससे क्या किया, सबसे पहले वैल्यू को ट्रांसफर किया यहाँ पे, 3 यहाँ पे क्या आ गया डिवाइड में आ गया, फिर cot a के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट करके पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाला इसका हाइपो कैलकुलेट किया हुआ, हाइपो कैलकुलेट करने के बाद साइन कॉस टेन इसकी वैल्यूज फाइंड किए हैं और वैल्यूज फाइंड करने के बाद क्या किया हुआ है इन स्टेप्स में साइन कॉस टेन का वैल्यू पुट किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड में और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में, दोनों में वैल्यू पुट करने के बाद दोनों के आंसर फाइंड किए और आंसर दोनों के सिमिलर आए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों वैल्यू कैसे हैं सेम है, यानी कह सकते हैं दोनों कैसे इक्वल है। आई थिंक क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो आगे कंटिन्यू हम सीरीज में करते रहेंगे, और अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।